का पार्ट टू, बी लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, सेम कहानी, 2 रुपए का प्रीमियम है। अब चेंज यहां हो गया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट हो गया। तो पार्ट टू के लिए वर्किंग नोट क्या गिवन है, पहले तो वो लिखो। एप्लीकेशन कितनी है पता नहीं, अलॉटमेंट कितनी है पता है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 2+2 फोर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितनी है, 2 पर शेयर, 7 कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, 7। अलॉटमेंट ये फेस वैल्यू होती है, यस और नो? तो टोटल अगर 7 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, तो एप्लीकेशन पे कितने रहे होंगे, ये कैलकुलेट हुआ है बैलेंसिंग में कर। समझ आई बात? पक्का? इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा, क्योंकि अमाउंट फॉरफिटेड तो उससे पता चलेगा ना। एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली। कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं आई? कथा मैं अब ध्यान से देखना, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? करेक्ट, नहीं मिला। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू कॉल्ड एरियर्स टू फोरफीटेड शेयर्स 1000 शेयर्स, 7 कॉल्ड अप, 7000, प्रीमियम कितना है, 2000, एरियर्स ये दोनों ही पैसे नहीं मिले, तो ये दोनों कितने हैं, 4+2 6, 6000। एप्लीकेशन कितनी थी, कितनी थी, 3 रुपीज, 3 थी ना, यस सर। 3000। कोई डाउट? फिर वही 600 शेयर्स वर रीशूट इन सच अ वे, आ गया ना वो वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इसका प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट, रीइशू है ये। 600 शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड इन सच अ वे दैट 900 रुपीज वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे तो आप लोगों का हक बनता है ये एंट्री पास करना, बट कोई बात नहीं, जो डाउट है क्या कर पाएंगे, तो इसलिए मैं कर देता हूँ। तो हमें क्या गिवन है, कैपिटल रिजर्व गिवन है, तो हमें ये एंट्री गिवन है, एंट्री तो पास होगी, अमाउंट गिवन है, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना, 900। कुछ भी बोलते रहते हैं, 900। अब ध्यान से देखना, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू। अमाउंट फोरफिटेड कितना है, 3000, लेकिन वो तो 1000 शेयर्स पे है, रीइशू कितने हो रहे हैं, 600 शेयर्स, तो 600 1000, कितना अमाउंट फोरफिटेड, 3000। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन लगा है, आंसर गलत है आपका, ठीक है। माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू, कोई तो निकालना है सर, कैपिटल रिजर्व 900, तो 900 इज इक्वल टू 1800 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 900, 18 माइनस 9, कोई दिक्कत? तो 900 डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू हैं, 600 एज फुली पेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, 600 एज फुली पेड, तो मतलब 6000, 600 × 10 कितने का डिस्काउंट है, 900, तो कितने के री इशू हुए, 5100, ये हमने बैलेंसिंग में करें। क्लियर, इजी?
इजी तो नहीं बोलूंगा बट इम्पोर्टेंट है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर समझ के करेंगे तो।